मैग्नेटिक इंडक्शन अगर समझ में आ जाए कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं उसमें से अगर कोई कंडक्टर पास हो तो कंडक्टर के पास होने की वजह से एक वोल्टेज डिवेलप होती है वोल्टेज डिवेलप होने की वजह से उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव होना शुरू कर, कर, कर देते हैं उसको आप टैप कर लें और वो आपकी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और वो आपकी वोल्टेज वही फराम करते हैं उससे आप जो मर्जी करना चाहें ठीक है उसको आप अगर आप बड़ा करेंगे ना तो पूरा जनरेटर बन जाएगा या टर्बाइन बन जाएगा वो सारी चीज़ें हम आपको इस सेक्शन में समझाते हैं कि जनरेटर टर्बाइन में क्या क्या किस किस किस्म के, -के, के जनरेटर और टर्बाइन यहाँ पर होते हैं तो ये जो सारे सिलसिले हैं आप देखिए मुख्तफ कस्म की इसमें एग्जाम्पल्स हैं एक वो बड़ा विंड टर्बाइन विंड टर्बाइन कितना बड़ा होता है विंड टर्बाइन जो आपकी फ़ुटबॉल की सॉकर की फील की उसके तीन तीन चार चार गुना उसकी हाइट होती है छः छः सौ मीटर का विंड टर्बाइन अब कितना बड़ा होगा अब वो जब चलता है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी आप देखें रोटेशनल कैनैटिक एनर्जी उसकी कितनी ज़्यादा होगी उससे आप वो टर्बाइन टर्न करें और वो मैग्नेट फोर्स में जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी अब बहुत सारा उसमें से सारा शहर एक टर्बाइन से मतलब ये छोटे मोटे शहर तो उस आधे शहर उसी से रोशन हो जाएंगे और दूसरा वो राइट हैंड साइड पर जो है वो हाइड्रोल्ट्रिक टर्बाइन है जैसे मंगला में है जैसे तरबेला में है ये सारे पानी के ज़रिए रोटेट होते हैं वो लेफ्ट वाला हवा के जरिए रोटेट होता है राइट right वाला पानी के जरिए रोटेट होता है सारा काम रोटेशन का है किसी तरीके से आप रोटेट करा लें वो रोटेटर जो है वो मैग्नेट के अंदर घूमेगा उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जो आप इस्तेमाल की जा सकते जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये एक दो एग्जाम्पल है और एक एग्ज़ाम्पल जो आपने अब बहुत आम तौर पर देखा होगा वो ये है कि छोटा सा एक रोटर ये भी है लेकिन वो जो साइकिल चलती है उसके साइकिल के पहिए से अगर उसे अटैच करें तो वो चलना शुरू हो जाता है वो चल बिल्कुल बाकी काम वही है जो बड़े सारे जैसे ये इस किस्म के जनरेटर इसमें और इसमें प्रिंसिपल का कोई फ़र्क नहीं है वही प्रिंसिपल है बस ये कि ये छोटे पैमाने पे है और इससे एक छोटी माड़ी माड़ी सी बत्ती जलती रहती है तो उससे थोड़ा बहुत सड़क पर जो खड्डे वड्डे हैं वो नजर आ जाते हैं बाकी काम वही सारी सारा है बिल्कुल वो एग्जैक्टली वही डायनमो जो है वो टर्बाइन की तरह की का काम करता है इन तमाम प्रिंसिपल पर बेस्ड जो है सारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन्हीं प्रिंसिपल के ऊपर बेस किया हुआ होता है अब बड़े टर्बाइंस भी होते हैं अब ये देखें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जैसे तरबेला वाला प्लांट हो गया बाकी बहुत बड़े लेक मीट पे ये बहुत बड़ा टर्बाइन है अमेरिका में लगा हुआ तो यहाँ पे कहाँ से आती है एनर्जी तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की जो एनर्जी होती है वो उसके पीछे जो पानी होता है उससे होती है ना आपको याद होगा एक एक मॉड्यूल में हमने बताया था कि दो दो किस्म की एनर्जी होती है एक एनर्जी होती है एक पोटेंशियल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फार्मूला क्या था एम जी एच मैस टाइम्स ग्रेविटी टाइम्स द हाइट हाइट क्या है ये जो हाइट डैम की हाइट जो है ना इसके हिसाब से होती है जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी क्योंकि पानी फिर ऊपर से नीचे आएगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी कैनेटिक एनर्जी के अंदर वो फिर वो कैनेटिक एनर्जी का मतलब एनर्जी ड्यू टू मोशन फिर वो जो पानी चलेगा उससे वो आपका टर्बाइन चलेगा टर्बाइन चलेगा, चलेगा तो उससे जेनरेटर चलेगा जेनरेटर चलेगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी तो ये भी बिल्कुल फार्मूला वही है एग्जैक्टली exactly. बस इसमें ज़रा सा बड़े पैमाने पे है कई हंड्रेड्स ऑफ एकर्स लॉन्ग जो उसकी कैचमेंट एरिया होता है फिर नीचे जो है वो उसका वो फ्लू है जिसके अंदर से वो सारा पानी आके वो टर्बाइन को रोटेट करता है उसके ऊपर वो है मैगनेट लगे हुए जहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो जनरेट होके वो इलेक्ट्रिसिटी बाहर जाती है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है तो आप अपने छोटे से साइकिल का डनमो और आपके इतना बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट उनका प्रिंसिपल जो है वो बिल्कुल एक ही तरीके से होता है एक को आप अपने पैर से चलाते हैं और एक पानी उससे चलता है और ये उसका जो टर्बाइन और जनरेटर है नीचे जो है वो टर्बाइन है जिससे तो पानी आ रहा है वो इम्पेलर है पानी उसको एम्पेलर को पुश करता है वो तो टर्न होना शुरू हो जाते हैं ऊपर जो है वो मैग्नेट लगे हुए हैं मैगनीट से जब वो कंडक्टर गुजरता है तो वही जो पुरानी वाली कहानी थी वो दोबारा रिपीट हो जाती है और आपको इलेक्ट्रिसिटी आराम से मिल जाती है अच्छा अब ये ये बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है हालांकि कुछ ऐसी ख़ास बात नहीं है इसके अंदर लेकिन इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि किस किस्म की एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किस किस्म की एनर्जी के अंदर अभी हमने देखा विंटर माइंड देखा डायनामो देखा बाइसकल वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट देखा अब ये थर्मल पावर प्लांट है थर्मल पावर प्लांट में पहले फ्यूल आ रहा है कोल आ रहा है है ना कोल आ रहा है फिर उसके अंदर बर्नर से कोल जलेगा और बॉयलर में फिर स्टीम बनेगी ठीक तो पहली एनर्जी क्या है केमिकल एनर्जी कोल वाली या तेल वाली या गैस वाली जो भी है है ना वो केमिकल एनर्जी है उसको फिर हमने स्टीम एनर्जी में कन्वर्ट किया स्टीम एनर्जी क्या है वो पोटेंशियल एनर्जी है है ना उसकी वो उसकी, उसमें अपनी तौर पे एनर्जी इतनी ज़्यादा बॉयलर में बनती है बॉयलर का मकसद क्या होता है अब आमतौर पर पानी तो सौ डिग्री पे बॉयल हो जाता है ना बॉयलर चूँकि बहुत बड़े टैंक होते हैं वो प्रेशर उसके अंदर कई चार सौ पाँच तक के पहुँच जाता है अब जब प्रेशर बढ़ता है तो उसका वॉलर का बॉयलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है तो पा फिर पानी 100 डिग्री पे बॉयल नहीं होता पानी फिर 600 डिग्री पे बॉयल होना शुरू हो जाता है इसका मतलब जो आपने स्टीम बनाई उससे इतने प्रेशर में इतनी एनर्जी के छः डिग्री तक के पहुँच जाती है तो स्टीम इतनी प्रेशर में होती है कि जब वो बाहर आती है तो फिर उससे टर्बाइन चलता है टर्बाइन चला तो फिर उससे जनरेटर चला जनरेटर चला तो उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी आई अब देखिए केमिकल एनर्जी जो थी कोल की या गैस की कन्वर्ट हुई स्टीम में स्टीम पोटेंशियल एनर्जी स्टीम की पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई तो पहले हीट में कन्वर्ट हुई फिर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई फिर टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई फिर जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई पांच कन्वर्जन पांच कन्वर्जन है ना अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को लगाएं इस पर कि जो एक प्रोसेस है उसमें आप मुख्तलिफ बना सकते हैं एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी बना सकते हैं लेकिन हर स्टेप में जाया होगी कुछ एनर्जी सत्तर अस्सी फीसद तक के जाए हो सकती है एनर्जी तो आप इस स्टेप पांचों स्टेप का लगा लें बचा क्या आपके पास इतना सारा पानी जमा किया था इतना सारा कोयला चलाया था लेकिन आखिर में जाके कोई ऐसी बीस पच्चीस फीसद जो है ना वो सत्तर फीसद बाकी आपकी एनर्जी जया हो गई कहाँ गई वो एनर्जी वो जो बीच में लगा हुआ है ना जो आपको कंडेंसर कोयल जो नजर आ रहे हैं वो जो अपनी सारी एनर्जी जो ज़ाया करनी है वो हवा में नहीं फेंक सकते उसको फिर किसी तरीके से बॉयल करना पड़ता है वो फिर उसके लिए जितने भी आपके बड़े बड़े पावर प्लांट है ना वो किसी बड़े बड़े पानी के साथ जख़ीरे के साथ होते हैं ताकि बॉयल करके वो एनर्जी को यूटिलाइज कर सकें वो जो बड़े बड़े टावर से आपने स्टीम निकलते हुए देखी थी उसकी वजह यही थी कि इतनी सारी जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो ज़ाया एनर्जी होती है उसको किसी तरीके से स्टीम बना के बाहर लिबरेट कर जाए फिर वह दोबारा से फिर रिसाइकिल शुरू हो जाता है तो ये जो कन्वर्जन है पाँच छः कन्वर्जन आम तौर पर जो पावर प्लांट में इस्तेमाल होते हैं इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है कि कम से कम कितने में गुजारा हो जाएगा जैसे हम आगे जाके देखेंगे सोलर सेल्स के अंदर एक मरता द, एनर्जी आई सूरज की इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होगी एक कन्वर्जन उसकी कितने बड़े फ़ायदे हैं लेकिन वो भी 20 परसेंट से ज़्यादा नहीं चलता तो अब इनकी आप एफिशिएंसी का अंदाज़ा लगा लें हालांकि बड़े बड़े पावर प्लांट में इनकी 40 50 फीसद तक की हो जाती है कन्वर्जन